स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 2.5। अपन 2.5 पर बात करते हैं। देखिए 2.4 अपन सॉल्व कर चुके हैं। 2.5 में देखिए क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशनों को अपने को सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना देखना है हम लोगों को, तो कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट दिया क्वेश्चन एक्स बाई टू माइनस 1/5 इक्वल दिया है 5/3 प्लस 1/4 दिया है। तो आपका इसमें हम लोग को x वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्व अपन देखते हैं। ये देखिए आपका लिखा हुआ है x बाई टू और 1/-1/5 इक्वल x बाई थ्री प्लस 1/4 दिया है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ करना है। ये दोनों x वाले टर्म हैं आपके, तो इनको एक तरफ कर देंगे और क्या करेंगे, जो आपके कांस्टेंट है जैसे ये -1/5 है और 1/4 है, तो इनको एक तरफ कर देंगे। तो देखिए x बाई थ्री प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, x बाई टू माइनस x बाई थ्री हो जाएगा ये आपका। ओके, फिर आपका देखिए 1/4 करते हैं, ये देखिए माइनस का तो इक्वल किधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। फिर इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ओके, तो आप लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे, तो 3x-2x/6 आएगा इक्वल आपका। देखिए इधर साइड भी सेम इसी तरह करना, इधर भी आपका 5+4/20 आ जाएगा, 5 4 का एलसीएम 20 आएगा। तो इसको देखिए इस तरह सॉल्व करना आपको, तो x इसका माइनस कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके x का जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आपका 27 आ जाएगी x की वैल्यू। तो इस तरह आपका इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करना हो जाएगा। आप अपन लोग 2.1 पर भी डिस्कस कर चुके हैं, 2.2 पर भी बहुत सारे दिए, 2.3 पर, ठीक है, तो इसी तरह का दिए हुए हैं। अब अपन इसमें देखते हैं और क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर आप लोग कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, फिफ्थ नंबर क्या दिया है, 3t-2/4 दिया है, माइनस दिया है 2t+3/3 इक्वल दिया है 2/3-t दिया है। तो इसको देखिए सॉल्व करना है, वही आपका प्रोसेस रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को लिखते हैं, एज इट इज लिख दिया मैंने। देखिए इसमें जो टी वाला टर्म के साथ, देखिए ये वाला था और ये था और ये, इनके सभी के साथ टी है, तो इनको एक तरफ साइड कर लेना है, ठीक है। इक्वल किधर, माइनस टी को लाएंगे, देखिए प्लस टी होगा, ये तो लिखा ही था पहले से आपका, तो 2/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। जब देखिए 4 और इन सभी का 1 का एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो 4 से 12 को डिवाइड कर 3 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 आएगा, 4 को करेंगे इसे 12 से डिवाइड करके 4 आएगा, 4 क्या कर देंगे, फिर यहाँ क्या देखिए 1 से 12 को डिवाइड करें तो 12 ही आएगा, तो 12t हो जाएगा। तो आपका 3 ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए यहाँ -4 लिखा है, तो अपन लोग गलती कर देते हैं, यहीं मल्टीप्लाई करने में गलती करेंगे। देखिए यहाँ भी एज इट इज मैंने लिखा है और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर, 3 3 90-3 2 6 आ गया। अब देखिए यहाँ -4 लिखा है, यहाँ माइनस साइन सहित मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है -4, तो आपका -8 और टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका, देखिए 12 हो जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 12t हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को देखिए इक्वल आपका देखिए 4l, ये 12 एलसीएम में था तो इक्वल कुधर ले गया, तो मल्टी ये डिवाइड में था तो इक्वल कुधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 4 12 कैंसिल कर दिया। और इनको देखिए टी वाले टर्म को प्लस माइनस कर देते हैं और टी की वैल्यू जो आ जाती है अब लिख देते हैं, इक्वल क्या आता है आपका 2 आता है। तो इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, 6 दिया है, इसी तरह आपको 6 नंबर और क्या नंबर 4 नंबर सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग कर लेंगे। फिर आगे इसमें दिया है सिंप्लीफाई एंड द सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है और क्या करना है, सॉल्व भी करना है लीनियर इक्वेशनों को। सिंप्लीफाई मीन्स इनको सरलतर रूप में लीनियर इक्वेशन को लिखना है और सॉल्व भी करना है इनको। तो ओके, तो देखिए अपने 7 8 9 10 दिए हैं, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं इसमें आपको 9 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है, और आप 7 8 10 कर लेंगे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया, क्या दिया आपका, 3 × दिया है, 5z-7 दिया है और -2 दिया है, 9z-11 दिया है। ओके, इक्वल आपका दिया हुआ क्या दिया है, 4 × 8z-13 और आपका -14 दिया है। तो देखिए पहले तो आपको करना क्या है, पहले आपको क्या करना है, देखिए ये ब्रैकेट लगा है, इनको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोग ने सीखा है बोडा मास में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है और सेमी ब्रैकेट होता है, ये
और ये लार्ज ब्रैकेट होता है। इन ब्रैकेट पहले स्मॉल ब्रैकेट को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए थ्री का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जेड आ जाएगा, थ्री ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। इस तरह यहाँ देखिए क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा और ये 22 हो जाएगा। देखिए इस तरह इधर भी आपको फोर का मल्टीप्लाई करेंगे और -17 एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जेड वाले टर्म को एक तरफ यानी वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर देना है इक्वल के इधर, और कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उधर कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो आपका जेड की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 70 आपका मीन्स आपका 70/35 आएगा, मीन्स आपका जेड की इक्वल 2 आएगा। देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ तो कैंसिल कर दिया और जेड की वैल्यू आ गई। तो इस तरह आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। ओके, अब आपका क्या दिया है अपन देखिए 2.5 में अपन सभी कर लिए। ओके, तो अपन देखें 2.6 में देखते हैं, क्या देखते हो 2.6 में भी इसी तरह दिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशनों को हमको सॉल्व करना है, जैसे उनको करते थे इसमें, बट इसमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ है 1 कर लेना है। तो देखिए 6.2 देखते हैं, तो 6.2 में दिया आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया 6.2 में, तो आपका 8x-3/3x दिया है इक्वल आपका 2 लिखा है, तो 2 के डिनोमिनेटर कुछ है तो 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। फिर क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से करना है, 2 का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से करना है। क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से और 2 का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से करना है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करें एडिजिट एज यानी सेम आएगा ही, और इसका 3 करें 3 2 6x हो जाएगा। यहाँ ये हो गया, देखिए सॉल्व हो गया आपका, ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया। देखिए इसको क्या करना, वेरिएबल 6x है और ये 8x है, तो इनको देखिए इनके साथ वेरिएबल नंबर है तो इनको एक तरफ कर लीजिए, तो आपका ये 6x को इधर कर देंगे, -3 तो इक्वल के प्लस हो जाएगा, तो आपका 2x है इक्वल 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालना है तो आपका ये आ जाएगा, आपका x की यानी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी तरह सेम करना है सभी क्वेश्चन। अगर कहीं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में कहीं प्रॉब्लम आती है, 2, 3, 4 में, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इनको सॉल्व कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिया है। ठीक है, 6 और 7 में मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पहले अपन लोग समझते हैं, एज आता हरी एंड हरिया ए आर इन द रेशियो, इनके एज का रेशियो दिया 5:7 दिया है। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4 होता है, फाइंड द प्रेजेंट एज, इनकी हमको प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, अपने को गिवन दैट क्या है, इनकी एज दी हुई है, गिवन दैट लिखते अपन लोग, एज क्या दी, 5:7 दिया है, तो अपन लोग क्या मान लेते हैं, इनकी रेशियो का एज मानते हैं। तो देखिए यहाँ पास ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया, इसको करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हरिया यानी रिस्पेक्टिवली कर ले में क्रमशः उनकी एज क्या हो जाएगी, 5x और 7x हो जाएगी इनकी एज क्रमशः। ठीक है, 4 years बाद मीन्स कहता है आफ्टर, कहता है देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा आपका 4 years फ्रॉम नाउ रेशियो, 4 years यानी बाद उसका, मीन्स अभी आप लोग 10 साल के होंगे तो 4 years बाद कितने हो गए, 14 years हो जाएंगे। तो ये इनके प्रेजेंट एज हमने माना है 5x और 7x माना है, तो 4 years बाद क्या हो जाएगा आपका 5x+4 7x+4 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इनकी एज का रेशियो फिर क्या हो जाता है आपका 3:4 होता है आपका, तो 3:4 कर देंगे तो आपको ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे आप लोग, और आपका ये देखिए फिर एक इस तरह का बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको आपको इस तरह करना है और सॉल्व कर देना है, एक्स की वैल्यू निकाल देना है। ओके, तो आपका ये देखिए आपका ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा और उनकी एक्स इक्वल 14 आ जाएगा। प्रेजेंट एज अब देखिए इसका हमने 5x माना था, 5×4 हरी की, और हरिया क्या माना था 7x माना था, 7x की वैल्यू 4 रख दिया तो आपका 7×4 मीन्स 20x आ जाएगा। हेंस लिख देंगे आप लोग प्रेजेंट एज आपकी 20 years और 28 years हो जाएगी। तो आप लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, द न्यूमरेटर ऑफ द रेशियो नंबर इज ग्रेटर देन क्या है 8 है। ठीक है, आपको देखिए डिनोमिनेटर दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशियो ऑफ रेशनल नंबर का, एक रेशनल नंबर लेना आप लोगों को, पी अपान क्यू का लेना नंबर का, रेशनल नंबर लेना उस फॉर्मेट में, और उसके डिनोमिनेटर में क्या करना है ग्रेटर देन है। ठीक है, न्यूमरेटर से बाई 8 है तो उसका क्या मान लेना, न्यूमरेटर मानना है तो आपका न्यूमरेटर पहले देखिए क्या है 8 ग्रेटर देन है, कौन है न्यूमरेटर है, तो पहले डिनोमिनेटर एक्स मान लेंगे या कि न्यूमरेटर मान लेंगे एक्स, तो आप लोगों को इसको क्या कर लेना है सॉल्व कर देना, इक्वल ये आ जाएगा आपको। तो आप लोग इसके इफ द न्यूमरेटर 17 इंक्रीज करना है
और डिनोमिनेटर इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर में डिक्रीज करना है 1 को, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर ना बनेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, इसी तरह जैसे इसका किया ना, इसी तरह इसको भी सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए मैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझाए दे रहा हूँ। द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर का इज द ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा वो, सॉरी द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर क्या दिया है, डिनोमिनेटर दिया है रेशनल नंबर का इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर से 8 है। इफ़ द न्यूमरेटर यानी आपका यहाँ तक दिया है 1, तो हम लोग क्या मानते हैं, देखिए मान लेंगे क्या मानेंगे इसका, देखिए ये मानते हैं अपन लोग, लेट द न्यूमरेटर ऑफ नंबर का x मानते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या ग्रेटर देन है 8, तो x प्लस 8 डिनोमिनेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन दिया यहाँ से। फिर आगे कहता है, क्या कहता है देखिए, इंक्रीज करना है, देखिए क्या करना है यहाँ, इंक्रीज करना न्यूमरेटर में 17, इंक्रीज करना मीन्स प्लस करना है, ठीक है, और आपका डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करना, डिक्रीज मीन्स माइनस करना। तो आप लोग कर लेंगे ऐसे, क्या करेंगे देखिए, एक्स प्लस 17 हो जाएगा, ये देखिए एक्स प्लस 17 और क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो नंबर बनेगा आपका क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा न्यूमरेटर एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर एक्स प्लस 8 रहेगा, ये बनेगा नंबर आपका। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है, तो आपका 17 इंक्रीज करना है और इसमें क्या करना है 1 डिक्रीज करना है, तो आपका इक्वल 3/2 बन रहा था। इसको आप लोगों को देखिए सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मीन्स 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ओके। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, और आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी, एक्स इक्वल आएगा आपका 13 आएगा, ओके, एक्स इक्वल 13 आएगा। फिर आपका जो नंबर माना था क्या माना था, एक्स अपान एक्स प्लस 8 माना था, यहाँ वैल्यू रख देना है और आप एक्स अपान एक्स प्लस 8 में वैल्यू रख देना, आपका नंबर्स आ जाएगा, ओके। तो आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, आपका इस तरह चैप्टर 2 फिनिश होता है। अब अपन नेक्स्ट डे बात करेंगे चैप्टर 3 पर, ओके, थैंक यू।